Hello friends, welcome to your channel Knowledge Score. In this video, I will discuss B8 2nd year 2017 previous year paper. The paper is assessment for learning ka Aklan. So, student, let's start the paper assessment for learning ka Aklan. This is the paper BA second year annual examination paper. Paper assessment for learning code E304. ऑब्लिक फोर जीरो वन यह पेपर मे दो हजार सत्रह में हुआ था सेशन दो हजार पंद्रह सत्रह पेपर की टाइमिंग है थ्री आर मैक्सिमम मार्क्स एट्टी अस्सी नंबर का यह पेपर है नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए इस पेपर में तीन सेक्शन है सेक्शन ए बी सी सबसे पहले हम इस पेपर का सेक्शन ए देखेंगे खंड क डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिस सेक्शन कंटेन्स थ्री क्वेश्चन विथ इंटरनल चॉइस ऑल क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी सिक्सटीन मार्क्स थ्री इंटू सेक्शन ए जो है आपका फोर्टी एट मार्क्स का है इस खंड में तीन प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए प्रत्येक प्रश्न सोलह अंक का है विस्तृत उत्तर अपेक्षित है क्वेश्चन नंबर वन सेक्शन ए डिफाइन द एजुकेशन मेजरमेंट ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड a हाउ इवेल्युएफुल मापन को परिभाषित कीजिए संक्षेप में मापन तथा मूल्यांकन का अंतर बताइए मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी है आर अथवा डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल assessment. वट डू यू अंडरस्टैंड बाई फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेलुएशन विथ इट्स एग्जाम्पल शैक्षिक मूल्यांकन के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित बताइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेक्शन ए कंस्ट्रक्ट एन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विथ इट्स वैल्यू प्रिंट एंड इट्स एनालिसिस अपने विषय के एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए साथ ही रूपरेखा तथा पद विश्लेषण भी बताइए अथवा डिस्कस द रोल ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ इंडिया भारतीय परीक्षा प्रणाली में आईसीटी की भूमिका की चर्चा कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सेक्शन ए वट डू यू अंडरस्टैंड बाई डेटा एंड इट्स टाइप राइट इन डिटेल अबाउट मीनिंग ऑफ मीन मीडियन एंड मोड प्रदत्तो एवं उसके प्रकार से आप क्या समझते हैं मध्यमान मध्यांग तथा बहुलक के अर्थ के विषय में विस्तार से लिखिए आर अथवा डिस्कस इन डिटेल मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन पी सी विथ इट्स एग्जाम्पल सामान्य प्रायिकता वक्र के अर्थ तथा गुणों की विस्तार से उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए इस तरह से सेक्शन ए इस पेपर का कंप्लीट होता है नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन बी अब हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे जानेंगे खंड ख शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है नोट एट क्वेश्चन आर गिवन इन दिस सेक्शन अटेम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी फोर मार्क्स फोर इंटू फोर इज टू सिक्सटीन सोलह नंबर का सेक्शन बी होता है इस खंड में आठ प्रश्न दिए गए हैं किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रत्येक प्रश्न चार अंक का है क्वेश्चन नंबर वन सेक्शन बी व्हाट इज कमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज सीजीपीए एक्सप्लेन विथ एग्जांपल संचयी ग्रेड अंक औसत क्या है उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए क्वेश्चन नंबर टू सेक्शन बी डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक राइट फॉर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक पृष्ठ पोषण से आप क्या समझते हैं सकारात्मक एवं नकारात्मक पृष्ठ पोषण के उदाहरण दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सेक्शन बी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूल राइट टू एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव टूल विद शॉर्ट डिस्कशन उपकरण का क्या अर्थ है दो गुणात्मक उपकरणों के उदाहरण की संक्षेप में चर्चा कर लिखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेक्शन बी Discuss the term objectivity. ऑब्जेक्टिविटी शब्द की चर्चा कीजिए क्वेश्चन वैधता क्या वैधता के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स सेक्शन बी एक्सप्लेन इन शॉर्ट हाउ टू इंप्रूव द क्वालिटेटिव ऑफ अ टेस्ट संक्षेप में लिखें कि परीक्षण के गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं क्वेश्चन नंबर सेवन सेक्शन बी व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ पियर्सन को रिलेशन पियर्सन सब की मुख्य विशेषताएं क्या हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी डिस्कस यूज ऑफ एन इन शॉर्ट सामान्य प्रायिकता वक्र की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए इस तरह से सेक्शन बी इस पेपर का कंप्लीट होता है नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन सी खंड ग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अति लघुतरी प्रश्न नोट दिस सेक्शन कंटेंट्स नाइन क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी एट क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरीज टू मार्क एट इंटू टू स्कोर्स टू सिक्सटीन सेक्शन सी जो है सोलह नंबर का है इस खंड में नौ प्रश्न है कोई आठ प्रश्न कीजिए प्रत्येक प्रश्न दो अंक का है क्वेश्चन नंबर वन सेक्शन सी टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल इन एजुकेशन शिक्षा में मापन के पैमानों के प्रकार इसके प्रकार बताना है सेकेंड क्वेश्चन सेक्शन सी ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेडिंग प्रणाली क्या होती है इस पर आपको नोट्स लिखना है क्वेश्चन नंबर थर्ड सेक्शन सी ब्लू प्रिंट इन पेपर कंस्ट्रक्शन प्रश्न पत्र निर्माण में नक्शा ब्लू प्रिंट पे आपको शॉर्ट आंसर देना वेरी शॉर्ट आंसर स्टूडेंट एक बात ध्यान दे दीजिए कि सेक्शन सी वेरी शॉर्ट आंसर है तो एटलीस्ट इसको एक से दो पेज में करना चाहिए सेक्शन बी शॉर्ट आंसर है तो उसको दो से तीन और सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन है तो एटलीस्ट उसको फोर टू फाइव पेज में आपको आंसर देना चाहिए सो so, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेक्शन सी रोल ऑफ फीडबैक इन इवेल्युएशन मूल्यांकन में पृष्ठ पोषण का भूमिका क्वेश्चन नंबर सिक्स सेक्शन सी फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन परीक्षा में शिथिलता क्वेश्चन नंबर सेवन सेक्शन सी मेरिट्स ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन परीक्षा में आईसीटी के गुण क्वेश्चन नंबर एट सेक्शन सी फ्रीक्वेंसीज इन स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी में आवृत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर नाइन सेक्शन सी मेरिट्स ऑफ एन सामान्य प्रायिकता वक्र के गुण इस तरह से सेक्शन सी इस पेपर का कंप्लीट होता है मैंने सेक्शन ए बी सी तीनों ही सेक्शन डिस्कस किया स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो नॉलेज स्कोर को सब्सक्राइब और बेल well आइकन को प्रेस कर दें ताकि बीएड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे